क्या देखा रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के मैच में, किसने जीता ड्यूअल ब्रांड बैटल रॉयल, कौन सी टीम किस पर भारी रही, किस ब्रांड ने जीता इस साल का सर्वाइवर सीरीज, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। किक ऑफ शो की बात करें तो वहां हमें ड्यूअल ब्रांड बैटल रॉयल दिखा, जिसमें काफी सारे सुपरस्टार पार्ट लेते नजर आए। मिज, मॉरिसन, नाकामुरा, अपोलो, जेफ हार्डी, डोमिनिक, रे मिस्टीरियो, हर्ट बिजनेस, मर्फी और भी बहुत सारे, सब एक दूसरे से बढ़ते हुए दिखाई दिए और सब एक दूसरे को रिंग के बाहर करने की कोशिश में लगे हुए थे। डोमिनिक ने मॉरिसन को एलिमिनेट कर दिया। दोनों ब्रांड की बहुत सी टैग टीम भी इस बैटल रॉयल में शामिल थी, तो उनको थोड़ी एडवांटेज इस मैच में रही। मिज में बड़ी मार पड़ रही थी, लेकिन मजाल है कोई उनको बाहर पाए। फिर मिस्टीरियो, शेल्टन, रिकोशे और सेड्रिक बाहर होते दिखाई दिए। मर्फी को रॉबर्ट रूड ने बाहर करा। अच्छा मैच जगह इन सबके बीच। डोमिनिक ने डॉल्फ जिगलर को बाहर करा। मिज को तो सबने घंटा बना रखा था, जिसका जिस पे मौका लगा उसने मिज को आके मारा। मतलब खड़ा भी नहीं होने दे रहे थे कोई मिज को। अब लास्ट में चैट गेविल, डोमिनिक, जेफ हार्डी और मिज बचे हुए थे। मिज यहां जेफ हार्डी को कहते हैं कि हम सेम ब्रांड के हैं। फिर ये दोनों मिलकर डोमिनिक और चैट गेविल को मारते हैं। चैट गेविल जेफ हार्डी को रिंग के बाहर कर देते हैं और मिज ने मार मार के चैट गेविल और डोमिनिक को रिंग में फैला दिया। डोमिनिक ने मिज को नीचे वाली रोप से रिंग के बाहर कर दिया। हालांकि वो एलिमिनेट नहीं हुए थे। चैट गेविल और डोमिनिक रिंग में लड़ते हुए नजर आए। डोमिनिक ने चैट गेविल को 619 दी और रिंग के बाहर कर दिया। तभी मिज ने आके पीछे से डोमिनिक को एलिमिनेट कर दिया और ड्यूअल ब्रांड बैटल रॉयल अपने नाम कर लिया। इसके बाद हमें मेन शो स्टार्ट होता दिखाई दिया, वो भी 5-on-5 ट्रेडिशनल मेंस एलिमिनेशन मैच से। पहले टीम रॉ के सुपरस्टार की एंट्री होती है, फिर स्मैकडाउन के सुपरस्टार की। मैच की शुरुआत एजे स्टाइल और जे उसो करते हैं। काफी जद्दोजहद के बाद एजे स्टाइल जे उसो को ड्रॉप किक देके गिराते हैं। अब जे उसो भी पलटवार करते हुए कुछ पंचेस और मूव देते हैं। दोनों साइड से बराबर की टक्कर देखने को मिली। अब कॉर्बिन अंदर आते हैं और एजे स्टाइल को मारते हैं। कॉर्बिन ओटिस को टैग देते हैं और एजे स्टाइल रिडल को। ओटिस मैट रिडल को चित्त करके केविन ओवंस को टैग देते हैं। वो आके मैट रिडल के पैर को टारगेट करके उनमें जम के मार देते हैं। अब रॉकी साइड से शेमेस और स्मैकडाउन की साइड से केविन ओवंस सेथ रॉलिंस को टैग देते हैं। सेथ रॉलिंस पता नहीं शुरू से ही अपनी धुन में मस्त थे। वो आके शेमेस को कहते हैं कि मार भाई और पिन कर ले। काफी देर शेमेस सोचते हैं, फिर ब्रॉक किक देके सेथ रॉलिंस को पिन करके एलिमिनेट कर देते हैं। फिर स्मैकडाउन की टीम रिंग के बाहर खड़े होकर पता नहीं क्या डिस्कशन कर रही थी। तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन आके टक्कर पहलवान बने और आके सबको धराशायी कर दिया। अब कीथ ली और ओटे सामने सामने आए। पहले तो दोनों एक दूसरे को ढेर करने का ट्राई करते रहे। फिर टैग ब्रॉन स्ट्रोमैन पर आया, उन्होंने आके ओटिस में मार दी। अब केविन ओवंस और एजे स्टाइल आमने सामने आए, बट यहां एजे स्टाइल ने केविन ओवंस को पिन करके एलिमिनेट कर दिया। जे उसो पास में थे, उन्होंने पिन को ब्रेक नहीं करा, जिसके बाद कॉर्बिन ने आके एंड ऑफ डेज मारी, बट रिडल ने मून सॉल्ट देके कॉर्बिन को बाहर कर दिया। रॉकी साइड से अभी तक कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ था। फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ओटिस को एलिमिनेट करा और अब स्मैकडाउन की साइड से केवल जे उसो बचे थे। उन्होंने पूरी टीम रॉ पर शानदार डाइव लगा के सबको फैला दिया और अकेले काफी दम दिखाई, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। उनके चार साथी एलिमिनेट हो चुके थे। एंड में कीथ ली ने जे उसो को मूव देके पिन करके मैच जीत लिया। यहां तो कमाल हो गया, टीम रॉ ने यहां क्लीन स्वीप मैच में कर दिया। नेक्स्ट हमें द न्यू डे वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच मैच दिखा। न्यू डे के साथ बिगी भी मौजूद थे। जेवियर वुड्स और डॉकिंस मैच की शुरुआत करते हैं। अब इन दोनों ने टैग दे दिया। कॉफी और फोर्ड आमने सामने आए। फोर्ड ने कुछ मूव देके कॉफी किंगस्टन को पकड़ में ले लिया, फिर टैग डॉकिंस को दिया। उन्होंने भी आके कॉफी किंगस्टन पर मूव लगाए। अब कॉफी किंगस्टन ने वापसी करते हुए अपनी पकड़ बनाई और टैग जेवियर वुड्स को दिया। फोर्ड को इन्होंने अपनी साइड ले जाके जम के मारा। ठीक ठाक मैच दिखा है दोनों टीम्स के बीच। एंड में स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने जेवियर वुड्स को मूव के पिन करके मैच अपने नाम कर लिया और स्मैकडाउन के लिए एक पॉइंट जोड़ा। मैंने कहा था ना, मैच के बाद इन दोनों टीम में भाईचारा दिखेगा, वो दिखा भी। सबने एक दूसरे को गले लगाया। नेक्स्ट हमें सैमी ज़ेन वर्सेस बॉबी लैशले के बीच मैच दिखा। बॉबी लैशले ने अपनी सभी साथियों के साथ एंट्री मारी, जो कि सैमी ज़ेन के लिए नाइंसाफी थी। मैच के शुरू होते ही सैमी ज़ेन बॉबी लैशले से बचते बचाते हुए नजर आए। फिर वो रिंग के बाहर कूद गए और हर्ट बिजनेस ने मेंबर की वजह से वो भाग नहीं पाए। तभी बॉबी लैशले ने आके सैमी ज़ेन पर अटैक करा और रिंग में ले गए। लेकिन रिंग में घुसते हुए बॉबी लैशले पर सैमी ज़ेन ने अटैक कर दिया। कुछ देर तो उन्होंने बॉबी लैशले को मारा, बट उठ के बॉबी लैशले ने अपनी टक्कर से सैमी ज़ेन को 360 घुमा दिया और जो उठा उठा के फेंका
लड़का है वो देखने लायक था। सैमी ज़ेन ने मैच में मजा तो करवाया बट उन्होंने टाइम टाइम पे बॉबी लैशले को मारने का भी सोचा, बट बॉबी लैशले कहां उनकी पकड़ में आने वाले थे। बॉबी लैशले ने रिंग के बाहर भी सैमी ज़ेन को बैरिकेड वगैरह में मारा, बट सैमी ज़ेन ने चालाकी से बॉबी लैशले को टर्न बकल पर दे मारा। फिर बॉबी लैशले उठे और उठ के सैमी ज़ेन में मार दी। सैमी ज़ेन ने भागने की कोशिश करी बट एमवीपी ने रिंग में धकेल दिया और बॉबी लैशले ने यहां सबमिशन लगा के मैच अपने नाम कर लिया। इसके बाद हमें आस्का वर्सेस शाशा बैंक्स के बीच मैच सिखा। मैच शुरू होता है और दोनों आपस में भिड़के एक दूसरे पर पकड़ बनाने में लगी जाती हैं। शुरू में ही शाशा बैंक्स आस्का को आर्मबार लगाने का ट्राई करती हैं बट नहीं कर पाती हैं। फिर बैंक्स स्टेटमेंट का ट्राई करती हैं बट आस्का उससे भी कैसे तैसे बच जाती हैं। शुरू में काफी देर यही चला, बैंक्स यहां काफी एक्टिव दिखाई दी, उन्होंने आस्का को रिंग से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। फिर आस्का अंदर आई और बैंक्स को रिंग के बाहर कर दिया। अब बारी बारी से आस्का की थी, उन्होंने बैंक्स पर पकड़ बना ली। एंड में मैच में काफी तेजी आई, दोनों ने एक दूसरे को काफी बार पिन करने की कोशिश करी बट बैंक्स ने एंड में रोल करके आस्का को पिन करके मैच जीत लिया। नेक्स्ट हमें 5-on-5 वुमेन्स एलिमिनेशन मैच दिखा, जिसमें पहले टीम रॉ की वुमेन्स आती हैं फिर स्मैकडाउन की। मैच की शुरुआत बैले और लेसी वन ने करी। लेसी किक मार मार के बैले को कॉर्नर में ले जाती हैं। बैले यहां नटालिया को टैग देती हैं, वो आके लेसी में मार देती हैं। लेसी टैग पैटर्न रॉयस को देती हैं और नटालिया बियांका को, वो आके पैटर्न रॉयस में जम के मार लगाती हैं। फिर स्मैकडाउन की साइड से रूबी राइट और रॉ की साइड से शायना बेजलर आती हैं। रूबी अच्छा मैच को संभालती हैं और शायना नाया जैक्स को टैग दे देती हैं। अब नाया जैक्स ने के पूरी स्मैकडाउन की टीम को फैला दिया बट लाना ने तभी नाया जैक से टैग ले लिया। फिर लाना ने लिव मॉर्गन को मारा और टैग नटालिया पर आया। लाना ने फुर्ती दिखा के नटालिया को भी मारा। अब लाना अपनी टीम को टैग देने आई तो कोई भी टैग लेने को तैयार नहीं था। नाया जैक सी टैग लेके अंदर आई, नाया जैक ने हड़का के लाना को स्टील स्टेप्स पर खड़ा कर दिया। अब आया एलिमिनेशन का टाइम, पैटर्न रॉयस ने बैले को एलिमिनेशन करा, फिर नटालिया ने पैटर्न रॉयस को बाहर कर दिया, लेसी ने नटालिया को बाहर करा, देन शायना ने रूबी राइट को बाहर कर दिया। फिर लिव मॉर्गन ने लेसी वन को मैच से बाहर का रास्ता दिखाया। नाया जैक्स ने अपनी पावर दिखाते हुए लिव मॉर्गन को भी इस मैच से एलिमिनेट करा। अब स्मैकडाउन से बियांका बची थी और रॉकी साइड से नाया जैक्स, शायना बेजलर और लाना। बियांका ने मार मार के नाया जैक्स को फैला दिया, टैग शायना बेजलर पर आया और उन्होंने बियांका को सबमिशन में भी पकड़ा बट बियांका ने खुद को रोप पकड़ के बचाया। अब यहां शायना को छोड़ना था बट उन्होंने नहीं छोड़ा तो रेफरी ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिर नाया जैक्स और बियांका ब्लेयर भिड़ी, दोनों रिंग के बाहर लड़ती रहीं और दोनों ही काउंट आउट के जरिए एलिमिनेट हो गईं और बची थी लाना, उनकी वजह से टीम रॉ ने यहां जीत दर्ज कर ली। अब टाइम था रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकेंटायर के बीच मैच का। दोनों आमने सामने होते हैं और बेल बजते ही दोनों के बीच गुत्तम गुत्ता शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। ड्रू मैकेंटायर यहां रोमन रेंज को दो शोल्डर टैकल मारते हैं और रोमन रेंज को रिंग से बाहर जाने पर मजबूर कर देते हैं। अब रोमन रेंज अंदर आते हैं और ड्रू मैकेंटायर पर पंचेज मार मार के हावी होते हैं। तभी ड्रू मैकेंटायर पलटवार करते हुए रोमन रेंज में मार देते हैं। रोमन रेंज अब ड्रू मैकेंटायर को रिंग के बाहर करते हैं और फिर रिंग में लाके उन पे पंचेज से अटैक करते हैं। पूरी तरह से रोमन रेंज इस टाइम ड्रू मैकेंटायर पर हावी दिखाई दिए। ड्रू मैकेंटायर यहां फाइट बैक की कोशिश भी करते हैं बट रोमन रेंज उसे फेल कर देते हैं। अब रोमन रेंज यहां सुपरमैन पंच देने का ट्राई करते हैं बट ड्रू मैकेंटायर रिवर्स करते हुए रोमन रेंज को उठा के फेंक देते हैं और फिर उन्हें सबमिशन में पकड़ लेते हैं। रोमन रेंज बचते हैं और ड्रू मैकेंटायर को अनाउंस टेबल पर पटकते हैं। दोनों के बीच अच्छा और शानदार मैच दिखा। फिर से रोमन रेंज उठा के ड्रू मैकेंटायर को अनाउंस टेबल पर समवन ड्रॉप देते हैं। अब यहां टेबल टूट आती है। रोमन रेंज आके रिंग पोस्ट पर बैठ जाते हैं और जैसे ही ड्रू मैकेंटायर खड़े होने का ट्राई करते हैं वहीं से जाके ड्रू मैकेंटायर को वो स्पीयर देके बैरिकेड तोड़ते हुए निकल जाते हैं। इसके बाद रोमन रेंज दो बार ड्रू मैकेंटायर को पिन करते हैं बट वो किक आउट कर देते हैं। अब रोमन रेंज फिर से स्पीयर की तैयारी में थे बट ड्रू मैकेंटायर रोमन रेंज को क्लेमोर डिलीवर करते हैं। रोमन रेंज तो गिरे, साथ में रेफरी को लेके भी गिर जाते हैं। ड्रू मैकेंटायर ने रोमन रेंज को पिन करना चाहा बट 1-2-3 करने वाला रेफरी ही नहीं था। तभी जे उसो की एंट्री होती है, वो आके रिंग में घुसने का ट्राई करते हैं बट ड्रू मैकेंटायर उनको गिरा देते हैं। फिर से जे उसो रिंग में आते हैं और ड्रू मैकेंटायर को सुपर किक देते हैं और रोमन रेंज सुपरमैन पंच देके ड्रू मैकेंटायर को सबमिशन में पकड़ लेते हैं। रेफरी नया आ गया था बट ड्रू मैकेंटायर अनकॉन्शियस हो जाते हैं, इसलिए रेफरी ने इस मैच को एंड करके रोमन रेंज को जितवा दिया बट ड्रू मैकेंटायर ने यहां टैप आउट नहीं करा। स्टेज पर रोमन रेंज और जे उसो गले मिलते हुए नजर आए। इसके बाद हमें अंडरटेकर की फेयरवेल दिखाई दी,
जहां केविन ने शॉन माइकल, ट्रिपल एच, केन, विंस मैकमैन जैसे बड़े लेजेंड्स दिखाई दिए, फिर इन सब ने उसको सेलिब्रेट भी करा। इस साल का सर्वाइवर सीरीज रॉ ब्रांड ने अपने नाम कर लिया। मेरी सभी मैचेस की रिजल्ट प्रेडिक्शन सही हुई, केवल वुमेन्स एलिमिनेशन मैच को छोड़ करके। वाकई थोड़ा अजीब लगा कि WWE ने यहां दोनों ट्रेडिशनल मैचेस में टीम रॉ को जितवा दिया। यहीं आज का पीपीवी एंड हुआ। मैचेस कुछ काफी अच्छे थे। आपको कैसा लगा? आपको कौन सा मैच इस पीपीवी का सबसे फेवरेट लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।